राजस्थान में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आज 5 गारंटी का ऐलान किया है, जिसमें 30 लाख लोगों के लिए नौकरी की गारंटी भी शामिल है। न्याय यात्रा के 54वें दिन राहुल गांधी राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचे। राहुल गांधी ने जाति जनगणना का हवाला देते हुए कहा कि देश की 90% आबादी दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक है, लेकिन इनकी भागीदारी नहीं के बराबर है क्योंकि इन्हें दरकिनार किया जा रहा है। राहुल ने मंच से युवाओं के लिए बड़ा ऐलान भी किया। हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं, 30 लाख। मोदी जी इनको भरवाते नहीं है, बीजेपी इनको भरती नहीं है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। आज राहुल की यात्रा गुजरात का रुख करेगी। राहुल यहां 10 मार्च तक रहेंगे। न्याय यात्रा महाराष्ट्र में समाप्त हो जाएगी। मुंबई में जनबंधन समारोह का आयोजन होगा, जिसमें इंडी गठबंधन के सभी नेताओं को बुलाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगार युवाओं को एक और गारंटी का वादा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्रों को ट्रेनिंग के लिए हर महीने 8,500 रुपए दिए जाएंगे। कि कॉलेज यूनिवर्सिटी डिप्लोमा के एकदम बाद एक साल के लिए हर ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिस में एक साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1,00,000 रुपए उसे एक साल में दिया जाएगा। और यह हर ग्रेजुएट के लिए किया जा रहा है। ये जो लाखों लोग कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, कॉलेज के एकदम बाद अगले दिन इनको अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी और ये अधिकार होगा। ये ऐसे नहीं होगा कि भैया हमें देना है तो देंगे, नहीं देना तो नहीं देंगे। ये मनरेगा जैसा अधिकार होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एलपीजी सब्सिडी योजना पर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक साल के लिए बढ़ाई जा सकती है एलपीजी सिलेंडर योजना। एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। छूट पर एमएसपी बढ़ाने का हो सकता है ऐलान और एक साल तक के लिए ये योजना बढ़ाई जा सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली में जारी रहेगी बिजली सब्सिडी, 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलती रहेगी। ये जानकारी आ रही है इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जा चुका है कि आज की केजरीवाल सरकार की कैबिनेट की बैठक में जो दिल्ली वालों को फ्री बिजली के बिल मिलते हैं, जो उनको सब्सिडी मिलती है, वो 2024-25 में भी जारी रहेगी, उसका फैसला आज कैबिनेट ने लिया है। तो जिस तरह अभी तक 200 यूनिट तक बिजली फ्री, 400 यूनिट तक बिजली के बिल आधे, जो सब्सिडी दिल्ली के किसानों को, दिल्ली के वकीलों को, 1984 के जो दंगा पीड़ित हैं उनको जिस तरह से सब्सिडी पिछले वर्ष 2023-24 में मिलती आई है, उसी तरह से आने वाले साल में भी सब्सिडी मिलती रहेगी। दिल्ली वालों का बिजली का बिल ज़ीरो आता रहेगा और अब ये पॉलिसी 31 मार्च 2025 तक पास कर दी गई है। आम आदमी पार्टी ने ईडी के अदालत जाने पर सवाल उठा दिए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में 16 मार्च को पेश होने का आदेश दिया गया। आम आदमी पार्टी ने ईडी की शिकायत पर सवाल उठाया और कहा कि कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को पहले ही 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया था, फिर भी ईडी शिकायत लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई। मगर समस्या ये है, ना ईडी को कोर्ट पे भरोसा है, ना ईडी को कोर्ट की तारीखों पे भरोसा है। कोर्ट ने जब 16 तारीख अरविंद केजरीवाल जी को दे रखी है, उसके बावजूद वो समन भेजे जा रहे हैं। दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। आबकारी मामले की जांच कर रही ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बार फिर से कोर्ट पहुंची
और ईडी ने कहा कि 8 समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे हैं, जिस पर सुनवाई करते हुए राजधानी कोर्ट की एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। ईडी ने इससे पहले भी समन की तामील नहीं करने के लिए कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल को जब भी ईडी ने समन भेजा, वो इस पर सवाल खड़े करते रहे हैं। और अहम खबर आ रही है, महंगाई भत्ता बढ़ाने का जल्द हो सकता है ऐलान। 4% तक बढ़ाया जा सकता है महंगाई भत्ता। 1 जनवरी से बढ़ा हुआ डीए लागू करने का प्रस्ताव है। आज कैबिनेट मीटिंग में इसे लेकर फैसला मुमकिन। संदेश खाली को लेकर ममता सरकार पर बीजेपी लगातार हमलावर है। आरोप प्रत्यारोप के बीच आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सड़क पर मार्च निकाला। कोलकाता की सड़कों पर आज ममता बनर्जी का ये अंदाज नजर आया। ममता बनर्जी के साथ काफी संख्या में महिलाएं भी इस मार्च में शामिल हुईं। दरअसल संदेश खाली को लेकर ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी मामले को बेकार में तूल दे रही है, उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी इस मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में सियासी फायदा उठाने की कोशिश में है। इस वक्त मैं हूँ कोलकाता के सड़कों पे, जहाँ पे ममता बनर्जी रास्ते पे उतरे हैं। कल आंतर्जातिक महिला दिवस है और उसके चलते ममता बनर्जी यहाँ पे अपना रैली शुरू कर चुके हैं, लेकिन माना ये जा रहा है ये ममता बनर्जी का चुनाव का जो रैली है उसका पहला कदम है। आज नॉर्थ कोलकाता में ममता बनर्जी यहाँ पे रैली से निकले हैं और उनके साथ सारे महिला पहले चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब संदेश खाली का मुद्दा पूरा देश में है, तब ममता बनर्जी का रास्ते पे उतरना और हर महिला के मुंह पे ममता बनर्जी का मास्क होना अपने आप में ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी यहाँ पे चौकन्ना है कि राज्य में क्या हो रहा है। और आज की एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में आज कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पूरे जोर शोर से अभिजीत गंगोपाध्याय ने बीजेपी ज्वाइन करते हुए ममता सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय आज बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार भी मौजूद रहे। बीजेपी पार्टी मुख्यालय अभिजीत गंगोपाध्याय का भव्य स्वागत भी किया गया। प्रथम उद्देश्य हे पश्चिम बंग थे एक दुर्नीतिग्रस्त दल एक দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিদায় লগ্নের সূচনা করে দেওয়া এই লোকসভা ভোটে, যাতে 2026 তারা আর ক্ষমতায় আসতে না পারে। अभिजीत गंगोपाध्याय ने न्यायपालिका से अपने इस्तीफे के वक्त भी राज्य की ममता सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र करते हुए टीएमसी पर हमला बोला था। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अभिजीत गंगोपाध्याय ने संदेश खाली मामले का भी जिक्र करते हुए ममता सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। इधर बीजेपी की महिला विंग ने आज फिर शाहजहां शेख की जातियों से पीड़ित महिलाओं से मिलने के लिए संदेश खाली का रुख किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया। संदेश खाली का आरोपी शाहजहां शेख अब सीबीआई के हवाले है। इस बीच आज बीजेपी महिला विंग की नेताओं ने फिर संदेश खाली का रुख किया, लेकिन उन्हें 60 किलोमीटर पहले ही रोक लिया गया, जिसके बाद पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई। जब इन्हें आगे नहीं जाने दिया तो नेताओं ने मौके पर ही धरना दे दिया और ममता सरकार पर हमला बोला। कोई ऑर्डर नहीं, कोई कागज नहीं, पुलिस जोर जबरदस्ती हम लोग को बाधा दे रहे, ये राजारहाट है, यहाँ पर कोई 144 धारा नहीं है, संदेश खाली है 7 किलोमीटर दूर, आज हम लोग को बाधा दिया जा रहा है, क्यों, क्या छुपाने का कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने ममता के कोलकाता मार्च पर सवाल उठाया और कहा कि बीजेपी नेताओं को संदेश खाली जाने से कोई नहीं रोक सकता। हम लोग ममता बनर्जी के टाइम में महिला के लिए जब चल रहा है ये संदेश खाली इशू, पूरा देश में सुनामी होकर आए हैं, अभी महिला लोग के लिए संदेश खाली नहीं जाके वो बंगाल में जुलूस बना रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने 2 दिन बाद फिर से संदेश खाली कूच करने का ऐलान किया है।